लगातार मृगेंद्र जी हमारे साथे बनल बनी, आई हम और अगला विधानसभा के बारे में जाने के प्रयास करते नहीं। मृगेंद्र जी ई बात तो रघुनाथ विधानसभा कर लो, अब एगो और हॉट सीट बा दरौदा। जी जी, दरौदा का स्थिति लोग? देखिए, दरौदा के लेके सबसे पहले स्थिति हम स्पष्ट करे के चाहत नहीं कि दरौदा के जो पहले देखी लोग कहता ब्यास सिंह, अनुराग भोला जी, जितेंद्र स्वामी जी के भाई जो चुनाव लड़ रहा बनी, अजय सिंह के ओजा के प्रेजेंटेशन, ये मुद्दा पर हम आवे से पहले ही कहे के चाहे कि जरूर माने के पड़ी हमनी के कि एक वर्ग ऐसा बा जो चाहेला कि महले के कैंडिडेट चुनाव ना जीते ओकरा के जेही हराई ओकरा के वोट दे, आ उहे जोन बा उहे कैडर ई भी जाने के चाहेला के हरावता के जीतावता, केकरा वजह से माले जीती है केकरा वजह से हारी, ओकरा हिसाब से चुनाव के एक दो दिन पहले अपन वहाँ के सब अपन मूड बदले नहीं। अब जगह प्रत्याशी के जहाँ तक बात रहल दरौदा के, दरौदा के प्रत्याशी एनडीए के तरफ से ब्यास कर्णजीत सिंह ब्यास सिंह जी बनी जोन अबे कुछ दिन पहले जब निर्दलीय चुनाव लड़ के आ जगह कद्दावर नेता अजय सिंह कि इतना वोट से हरले रहनी कि जन के उम्मीदें अजय सिंह के ना रहे उतना तो वोटो ना मिल रहा अजय सिंह के काला के मतलब से बताओ के चाहते नहीं। ए बरी वहाँ के बीजेपी से बनी बात समझी, और ए बरी आरजेडी के कैंडिडेट नहीं खन हो जाए माले के कैंडिडेट बढ़े तो वोट वाली इंटेक्ट हो गई बा। लेकिन भोला जी के आगे से बिल्कुल सही बात बा, अजय सिंह के भाई अपन स्थानीय विधानसभा सीट हो जैसे उनकर माता जी भी विधायक रहल बड़ी, उनकर पत्नी भी विधायक रहल बड़ी, वो चुनाव लड़ल बड़े, उनको अपन अच्छा खासा वोट बा। जितेंद्र स्वामी के जो पिताजी वहाँ शंकर बाबू रहनी वहाँ के भी अच्छा खासा वो तो एरिया में बेस बा, प्लस स्वामी जी के भी अच्छा खासा बेस बा। कहें कि 2015 के विधानसभा चुनाव में याद करके पड़ी वो विधानसभा चुनाव में कविता सिंह बनाम लड़ाई जितेंद्र स्वामी रहे, तो ऐसा बात नहीं कि स्वामी जी के रुआ उठा के फेंक दे मतलब नहीं के आ को बेसे नहीं के बेस दोनों जानी के बा। लेकिन ओजा जो प्रत्याशी माले के आए बटन उनकरा आ गईला के बाद स्थिति ये बनता हो जा कि भाई माले के क्या हाल होता आई जहाँ तक हम देखनी है मतलब पूरा वो एरिया में मान ली एक बाद जो सिसमन के जो एरिया पड़ी उस सब हाँ ये सब दुरौदे पड़ी तो वो एरिया में जाकर के हम जरूर देखनी है कि अजय सिंह कितना फैक्टर पड़ी है। ओजा देखिए अजय सिंह फैक्टर कितना पढ़िए कितना ना पढ़िए एक समझे के पहले उपचुनाव हमें से कहता नहीं, उपचुनाव के पहले अजय सिंह के लेके पूरा भाजपा एनडीए इंटेक्ट रहे, बहुत अच्छा खासा मार्जिन सुन के पत्नी कविता सिंह के चुनाव लोग जीतल भाई आप चुनाव जीत गई लोगों के आकांक्षाओं पे आप खड़ा उतरेंगी। लेकिन जहाँ तक हम ही देखा था नहीं कि लोगों के आकांक्षाओं पर वो तरीके से जहाँ स्तर से उतरे के चाहिए कविता सिंह के चाहे अजय बाबू के उतरे के चाहिए वो स्तर से ना उतर पड़े लोग ओकरे परिणाम रहे ओकरे नतीजा क्यों चुनाव हारे बात समझी विधानसभा के हम बात कहते नहीं। लेकिन ये बड़ी के फैक्टर हमेशा कहते नहीं कि निर्दलीय प्रत्याशी बनी अनुराग भोला जी, अनुराग भोला जी के व्यक्तिगत तौर पर अगर हम बात करी कोनो तरह के वह आरोप नहीं लगा सकत कि भाई दरबाज हुआ भाई गलत बोले ले, गलत बैकग्राउंड बा, बहुत अच्छा बैकग्राउंड, हाईली क्वालिफाइड, बहुत बढ़िया नौकरी वहाँ करते रहनी है, बहुत सारा लोग वहाँ के मदद भी कर रही है, वो तरह के वहाँ के विचार भी नहीं कर आज तक स्टेटमेंट भी हम नहीं देख ले। स्वामी जी का जहाँ तक बात रहा वो कि अपना एगो स्टेक बा उस क्षेत्र में एगो अपन जनसमर्थन बा लोग के, अजय बाबू के भी कुछ जनसमर्थन सीट के ना जात लोग बताऊ सीट देखी सीट वो जा लड़ाई दुए जने के बीच में बा अमरनाथ यादव बनाम ब्यास सिंह। हम ये से कहते नहीं ब्यास सिंह कहें कि जो एनडीए का कोर वोटर बा निर्दलीय के ऐसा नहीं करते कि लोग ही समझते कि वोट कटवा बढ़ वोट कटवा मतलब हमने वोट देता नहीं जा तो माले जीत जाए ऐसे वोटवा अपने आप मूव को जाए। लेकिन वोटवा अभी बोलत नहीं के मैंने उसको हाल मुश्किल वोट अबेले बोलत नहीं के वोट मैंने उन्हें के जन समझदार प्रबुद्ध वर्ग के लोग बा जरा हाथ में भी अच्छा खासा वोट बा जरा लगे जन समर्थन बा कुछ 10 गो 5 गो लोगों के साथ जुड़ल बड़े वगैरह लोग कहला के मतलब चुनाव में जे ही लड़ी जे ही माले कहराई मैंने एक बार कहता जे ही माले कहराई ओकरे के हमनी के वोट दे जाए। और एक और चीज़ एक और चीज़ उसे बताओ तनी वो एरिया में दरौदा क्षेत्र में कई गो ऐसा गाँव मिल जाए जहाँ आरजेडी माले से लड़ल भी है जहाँ के जो माले के नेता बड़े हैं छोटा स्तर पर मान ली मुखिया होकस सरपंच होकस चाहे गाँव में अच्छा बेस होकर रुपया पैसा कमा कर ठर ठीका करत होकस चाहे एगो दुकान बढ़िया कर होकस कपड़ा लत्ता के कहीं अगल बगल में जेकर प्रभाव होकर 10 गो 5 गो लोग जुड़ल बा वो आरजेडी में रहला के बाद भी माले के वोट करे नहीं जात यो रो से बताओ तनी काफ़ी सारा एरिया पड़ियो ना हो। अब हम गाँव के नाम निकले कि भाई गाँव में जाकर क्या क्या के देखें ये बात जो हम कहते नहीं वो बात के बहुत ध्यान से समझत हो कि हम क्या कह रहा बनी तो वो भी वोट करे नहीं जा रहा। अब वो वोट में सेंध लगा रहा दिख रहा बड़े जितेंद्र स्वामी के भाई अनुराग जी वो वोट वो हमें सेंध लगा जो आरजेडी के बेस वोट बा
जो पिछला बेरी जो सोलेंदर के 22,000 रुपया आई रहल आ लगभग लगभग 27,000 के हार रहल जी जी, तो ई दुनु भोटवा में अमरनाथ यादव जुटाउते जुटाउते कहीं थक जइहन तब रउआ हिसाब से तब एनडीए जीती आ कहीं जो भोटवा सट गइल तो हमारा तो अथी क्या कहला माले के सीट लौकता बिल्कुल देखी माले के बिल्कुल सही कहतनी अब सटल बा जुटल बा नैखे जुटल का भइल बा का नहीं के भइल ए पर में केस नहीं खिजत कि अब स्थिति को स्तर के नहीं है अमर यादव के भी बहुत आरजेडी के कार्यकर्ता बड़ा जो नहीं घटत हाँ। लेकिन अंततोगत्वा वही देखिए कि भाई हमको विरोधी ताकत के हराव के बाद जंगल कहला कि हमारा सांप्रदायिक ताकत से लड़क बा वो कहला कि हमारा लाल सलाम वालों से लड़क बा तो वो कहाँ तक क्लेश करता है ये हसल कब तक ले बनल रहता है यही पर लोग गौर कर रहा भैया। आ दूसरी चीज़ बा कि जो एनडीए के कोर वोटर बढ़े वो ये समझाता रहे कि भाई हम लोगों को हराना है मालिक को तो हमारा वोट एक जगह इंटेक्ट हो वो वोट अनुराग जी के पक्ष में जाने पर इंटेक्ट होता है कि वो वोट जो बा ब्यास जी के पाले में ये सब खुलत नहीं खा लेकिन लड़ाई मैंने वोट जेने भी जाए एक तरफ जाए ज्यादा प्रायिकता लोग भी कहता कि भाई वहाँ के बीजेपी के कैंडिडेट बनी वहाँ के जदयू के कैंडिडेट बनी एनडीए के कैंडिडेट बनी मोदी जी के कैंडिडेट बनी नीतीश जी के कैंडिडेट बनी यही से योगियों जी आए रहनी आ योगी जी के अलग के बाद भी वो प्रभाव ने पड़ा नो डाउट वहाँ कहले के बाद हुआ तो वीडियो भी बने रहनी मैच बॉक्स पर चल भी रहे तो वहाँ कहले के बाद एगो प्रभाव पड़ल बा उस क्षेत्र में वो एरिया में पड़ल बा और बगल वाला एकमा वाला एरिया में भी मैंने योगी जी के अलग के बाद पड़ल बा लेकिन हमारा कहला का मतलब ये बा कि जौन वोटर शुरू से माले के खिलाफ में वोट कैले बा जौन वोटर शुरू से आरजेडी के खिलाफ में वोट कैले बा जौन वोटर शुरू से एनडीए के वोटर रहल बा चाहे जदयू के बात कली बीजेपी के बात कली उ इस देख रहल बा कि हम के हराए माले के हम केकरा के माने अनुराग बोरा जी के अच्छा प्रत्याशी मैंने उनका के वोट देके कि ब्यास जी के वोट देके तो ही समझ में होता कि ब्यास जी के साथे एनडीए के वोट बा जदयू के वोट बा बीजेपी के वोट बा यहाँ के वोट दिला पर वोट एक जगह मर्ज हो जाए बहरहाल टाइम छोटा प्लेटफॉर्म लोग देखी कम आगे चले के हमनी के महाराजगंज जी महाराजगंज एगो मंत्री लड़तारन जी ओकरा बाद उजा लड़ाई मिलवा के देवत नहीं उजा भी महागठबंधन भी आ एनडीए के जदयू के कैंडिडेट बा आ लोजपा के कैंडिडेट ओहु जवानी डका रंजन सिंह जी देखिए एगो और प्लस पॉइंट बा जिला में सबसे अधिक 27 को कैंडिडेट बनन हो जा बिल्कुल बिल्कुल ओजा तो इतना कैंडिडेट बढ़े लेकिन देखिए ओजा के बहुत अलग तरह के ओजा के बहुत अलग तरह के लड़ाई बा लड़ाई हो जा महागठबंधन बना में एनडीए ही बा महागठबंधन के जो कैंडिडेट बा एनडीए के तो जो विरोध लौकता नेताजी तो खेदाता नहीं ठीक बा नेताजी खेदाता नहीं बिल्कुल लेकिन लड़ाई में वह कर रहे हैं हमारा काला का मतलब ही बा कि लड़ाई देखिए लास्ट में क्या होला हमने के जब हमने महाराज में त्रिकोणीय मुकाबला रही का देखिए बिल्कुल ऊजा समझला का पहले ये जरूर समझे के बा कि कौन प्रत्याशी कौन पार्टी से पिछली बार रहा कौन पार्टी से भी रहा होता समझे के ये बात बा कि डॉक्टर देवरंजन सिंह बीजेपी के नेता रहनी उपचुनाव भई रहे उपचुनाव में वहाँ का लड़नी चुनाव जीत गनी ओकरा बाद जब विधानसभा का चुनाव भइल वहाँ का चुनाव लड़नी लेकिन वो बड़ा जौन महागठबंधन रहे वो जदयू और आरजेडी रहे आरजेडी ओजा अपन कैंडिडेट ने उतर के जदयू कैंडिडेट उतर सत्यनारायण साह के एक चुनाव में बीजेपी आ गई बा जदयू के साथ तब एनडीए हो गई बा एनडीए के कैंडिडेट के तौर पर सत्यनारायण साह चुनाव मैदान में बड़ा लेकिन जो बीजेपी के नेता देवरंजन सिंह रहनी वहाँ के लोजपा से आ गई बनी बिल्कुल यहाँ के प्रभाव पड़ी विजय शंकर दुबे भी एक जानल पहचानल बड़ा चेहरा है जिला के बड़ा चेहरा पुराना नेता में भी वहाँ के गिनती बाबे वहाँ के एगो बेस वोट बा और ऊजा यो देखिए ऊजा कास्ट पॉलिटिक्स भी बहुत हावी बा भूमिहार ब्राह्मण राजपूत तीन कास्ट एरिया में सबसे ज्यादा मने मैंने एक संख्या अच्छा का सब है जाने का प्रभाव रहे एंटी इनकन्वेंसी भी बा हेमदारायण साह के लेकर नो डाउट कि वहाँ के साथ एंटी इनकन्वेंसी बा ओजा का लड़ाई आ देवरंजन सिंह के लेकर एक स्वच्छ छवि बा यहाँ के डॉक्टर बानी लगातार क्षेत्र में यहाँ का रहल बानी पार्टी कैंडिडेट नहीं के देखे लोजपा ही भाजपा वाला स्ट्रेटेजी बा और एक तरफ हेमदारायण साह के अपन एगो बेस वोट बा ठीक बा आरजेडी में भी रहल बड़े तो आरजेडी के भी एगो वोट बेस बा जदयू के कुछ वोट बेस बा और विजय शंकर दुबे एक तरफ का दावा नेता था लड़ाई जो त्रिशंकु बा मैंने त्रिकोणीय लड़ाई बा ओहिमे हम ये अभी एग्जैक्ट नहीं आ पाओत कि विजय शंकर दुबे जीत रहा बड़े डॉक्टर देवरंजन सिंह जीत रहा बड़े कि हेमदारायण साह जीत रहा बड़े लेकिन जीती तीन लोगों में से एक में से केहू इतना 27 जनी लड़ता रहे ओहिमे से एक आदमी जीते बहरहाल सही बात बा महाराजगंज त्रिकोणीय लड़ाई बा एक तरफ महागठबंधन से अपने के नेव के ईटा कहला विजय शंकर दुबे जी बानी दूसरा तरफ हेमनारायण शाह जी बानी तीसरा तरफ स्वच्छ छवि साफ छवि के डॉक्टर देवरंजन जी बानी एक बार चले हम अगले विधानसभा चले सटल घूर जाओ गोरिया कोठी जी गोरिया कोठी के क्या स्थिति रही है देखिए गोरिया कोठी में देवस्कांत बाबू जुर्बानी जौन बीजेपी के कदावर नेता में बनी सिवान के जहाँ तक मैंने बात कर लिया कि भाई लेकिन जौन सत्यदेव सिंह रनी है आरजेडी के कैंडिडेट जो यहाँ के टिकट एवरी काट दल गई बा ठीक बा कहें कि वहाँ के वर्तमान विधायको रही मालूम वहाँ के काट के दूसरा के कैंडिडेट बनावल गई बा और
सेफ सीट में माना जाता है कि आरजेडी जीतती है। नूतन वर्मा बारी है। आरजेडी कैंडिडेट नूतन वर्मा। नूतन वर्मा बारी वहाँ के सदेव जी के टिकट काट के वहाँ के टिकट दल गिल बा महागठबंधन के टिकट के तौर पर वहाँ के बानी वहाँ ऊर्जा के सीटिंग जो विधायक रहे हैं उड़ल हैं आरजेडी के ठीक बा अब रालोसपा से बड़े उनकर वोट बेस अपन रहबे करी लेकिन जो नूतन जी बारी उनकर वोट बेस अच्छा रही क्या है पिछली बार चुनाव भैया आरजेडी चुनाव जीत जबकि जदयू आरजेडी रहल लेकिन टिकट के 73,000 वोट मिल रहा और जो बहुत बड़ा फैक्टर हो गई बा टीम धर्मवीर जी 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 टीम धर्मवीर जो ना स्तर पर काम करती है तू हो जो फैक्टर डाली बिल्कुल बिल्कुल और अगर डैमेज करते तो एनडीए के ना डैमेज करी राजद को थोड़ी करी। देखिए हम बताओ तो नहीं ये कोरोना काल में लगातार टीम धर्मवीर के रुवा मुहिम देख लो के कार्यक्रम देख लो के किंग लोग के सम्मानित कर धर्मवीर जी के कहीं है लोग के या किंग लोग तक सहायता पहुँचाओ गई बिल्कुल नो डाउट वहाँ के एगो अच्छा प्रभाव बा ऊ प्रभाव जन बा जैसे एनडीए कैंडिडेट जे बाबे देवेशकांत बाबू करके प्रभाव डाल रहा बा फ्रंट फुट पर मानी हाँ लेकिन ऐसा बात नहीं है कैंडिडेट बदल गए बस सदेव सिंह के लड़ला से वो एरिया में जो एक वो कैडर वोट रहे जातीय समीकरण का अगर बात कर ले जाए नूतन वर्मा के आ गए के बाद वो फ्लक्चुएट कर गई बा वो फ्लक्चुएट कर गई बा धर्मवीर जी के साथ पाला में आ गई बा हाँ। बात समझी तो जो धर्मवीर सिंह के पाला में जो वोटवा आई बात ऐसा बात नहीं है धर्मवीर सिंह के जो पाला में वोटवा जो आई बा वो वोटवा क्या करेल बा सत्यदेव जी लड़ रही उबरी तो वो दूसरा जाति से रहनी देवेशकांत बाबू दूसरा जाति से रहनी सत्यदेव सिंह जी राजपूत रहनी एक रहनी भूमिहार बात समझी लेकिन अब जो वोटवा बा वोटवा धर्मवीर जी के आ गए के वजह से लोग यहाँ के साथ कनेक्ट कर रहा बा कुछ वोट मने मार्जिन काट रहा बानी बात समझी ऊर्जा लड़ाई जो बा मुख्य तौर पर देखा जाए इतना वोट पहले के बाद जो 73,000 के रूप में बात करते हैं देवेशकांत बाबू के और उन्हें सत्यदेव सिंह के ना रहला से नूतन वर्मा के आ गए से ये लड़ाई द्विपक्षीय बा लेकिन द्विपक्षीय कहता नहीं लेकिन त्रिकोणीय लड़ाई हमने के लौकता ओजा एगो राजद के तरफ से रामायण चौधरी भी बहुत बड़ा फैक्टर होता रहा उ बारन आ एगो ओजा मिनोरिटी के सीट पर नाम है कुनैन अंसारी जी बनी वहाँ के राजद के बहुत डैमेज कर देखिए बताओ राजद के जे कैंडिडेट राजद के जे कैंडिडेट बवे चाहे जे खास करके एनडीए के कैंडिडेट बा जेकर अपन बेस बावे बात समझे ना तो रामायण चौधरी जो बनी तो राजद के समर्थन कर बनी तेजस्वी के मंच से जी जी बिल्कुल मानता नहीं है वहाँ के समर्थन कर दिले बनी तो भाई आरजेडी के फायदा हुई बात समझ नूतन वर्मा जो कैंडिडेट बा आरजेडी के अगर मंच पर जाकर के कैले बनी तो वो रामायण चौधरी के समर्थन कैले से फायदा होता है आरजेडी के लेकिन जहाँ तक देवेशकांत बाबू के साथ सवाल बा 73,000 वोट मिलने के बाद भी अकेले पार्टी रहे बरा 2015 के चुनाव में भाजपा अकेले लड़ रहे आज जदयू आरजेडी साथ में रहे तब तो जाकर के चुनाव हरावे में कामयाब रहने सत्यदेव जी 7-8,000 वोट हाँ अब मान ली कि ये बरी तो जदयू बा बीजेपीओ बा देवेशकांत बाबू के साथ आ प्लस जो वोटवा सत्यदेव बाबू के वहाँ के कैडर जो वोटवा मिल रहे वहाँ के तो काटल नजर हमारा आ रहा बनी धर्मवीर बाबू तो लड़ाई यही से हम कहते कि द्विपक्षीय बा ओजा फ्रंट फुट पर के बा फ्रंट फुट पर हम ओजा देख रहे बनी देवेशकांत बाबू के वहाँ पर जहाँ तक हमारा दिक्कत है देवेशकांत बाबू जीतल नजर हमारा आ रहा बनी चलिए वही जैसे तनी इधर बहाल गोरिया कोठी हो गई वही जैसे बगल में चले के मैंने सबसे बढ़िया छोटी से विधानसभा क्षेत्र बड़हरिया जी जी बड़हरिया में क्या स्थिति रही देखिए बड़हरिया में स्थिति तो बड़ा गहमा गहमी बा रोबा तो देखते बनी एक तरफ बाचा बाबा के लेके क्या बोला जाता है एक तरफ श्याम बहादुर जी क्या बोल रहा बनी मंच से बात कली चाहे डांड हिलावत रुवा लो वीडियो देख लही होके गाड़ी से निकल जाता नहीं लगा था नहीं होली के गाना फगुआ गावे आ फगुआ में वो फूल फूल गाना मैंने हाँ तो ये कुल चीज बा वहाँ के आदत रहा बा स्वभाव रहा बा जहाँ तक हमारा समझ में आता कि श्याम बहादुर जी के स्वभाव शुरू से रहा नाचे के ऑर्केस्ट्रा में डांस करे के कमर हिलावे के आँख मिचकावे के ऑर्केस्ट्रा में जाके पैसा लोग से दिवावे के तो ई कुल एगो नेता के स्वभाव ना नुआ जी हेमंत कुशवाहा कितना डैमेज करी हन देखिए हेमंत कुशवाहा डैमेज ये से उजा ना करी हैं बताओ तो क्या है ओजा लड़ाई जरूर बिल्कुल स्वाभाविक बा कि आरजेडी बनाम जदयू बा कि इनकरा बारे में कह जला श्याम बहादुर के बारे में भाई जौन बा नाचे ले गावे ले कहीं मिल ले लें ठीक बात समझी सुलभ बड़े जनता के बीच में सुलभ बड़े मैंने कॉमन नेता बड़े कॉमन नेता बड़े उनका के लेके मुंह में अगर बे आई तो हंसे लगे मैंने उनका नाम और लोग आई तो गंभीरता लगी और ये क्यों नेता बता जाके कोनो बात बात बोले मेरे तो डरो लगी उनका से कोनो बात जाके बोल सके नहीं हम ही नहीं कहते यही से युवा लाइक कर लम से युवा के बात नहीं है जनता जनता इनका के हमारा लगा था पता ना कहना है इवज में जनता जनप्रतिनिधि के ही कोनो स्वभाव ना
जनप्रतिनिधि के जौन बा एगो ऐसन आदर्श स्थापित करे के चाहिए जो देख के लोग कि ये देखिए यहाँ के नेता जी आई बनी कितना बड़ विचार बा, कितना बढ़िया संस्कार बा। काहे कि एक नेता से एगो पूरा क्षेत्र प्रभावित होला, रउआ बढ़िया विचार रही, रउआ बढ़िया बोली रही, रउआ बढ़िया स्वभाव रही, तो रउआ लोग रउआ का एक्सेप्ट करी। हमारा ना समझ में आया कि बिहार के ऐसा है वो बड़हरिया विधानसभा सीट जहाँ पर एक ऐसा विधायक जो नाचे ले, डांस करे ले, फगुआ गावे ले, पुअर गाना गावे ले, उनका के लोग पता ना कहेंगे जन समर्थन कर दिले और लगातार समर्थन कर ले बा। एमें ही मत कहीं एक पहले हूँ बचा हुआ चुनाव लड़ रही, चुनाव में वहाँ का मैंने अच्छा स्थिति ना ओजा फ्रंट फुट पर कहता ओजा देखिए ओजा फ्रंट फुट पर हमारा क्यों नहीं खेल ओजा लड़ाई बच्चा बाबा बनाम से हम बहादुर ही लोग कहता। लेकिन रह गई सवाल कि एंटी इनकन्वेंसी एंटी इनकन्वेंसी की हम बात कहते नहीं है, वो थोड़ा सा ऊर्जा जदयू के साथ बा। काहे कि कविता सिंह के स्टेटमेंट दिला के बाद, कविता सिंह पर स्टेटमेंट दिला के बाद अजय बाबू के अवकाट नपला के बाद श्याम बहादुर के लेकर के यूरो से बताओ नहीं एक 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 जोन बा, एक जात विशेष जोन बा खफा बा, प्लस बाचा बाबा के कांचा वाला स्टेटमेंट जोन रहा, हाँ ये सब वाला जोन स्टेटमेंट रहा, ये स्टेटमेंट से भी एगो वर्ग जोन बा खासा ना कितना असर पड़ी हो जाए टूना बाबा बाचा बाबा के भाई जोन बानी टूना बाबा के, टूना बाबा के असर पर देखिए टूना बाबा के असर से ज्यादा हो जाएगा पार्टी के का असर रही, श्याम बहादुर के स्टेटमेंट के क्या असर है ये पर चर्चा कर जरूरी बा। ऐसे कि बहुत लोग बड़का बड़का नेता लोग ओकर असर ना रहला, पार्टी के एगो असर रही, ओकरा एक स्थानीय नेता का बोलता कौना जात पर लेकर के क्या टीका टिप्पणी करता, लोग कौना बात के कौना जात से जोड़ देता, कौना विषय जोड़ता, एकर मुद्दा रहे। हमारा कहने का मतलब बा कि श्याम बहादुर ने जो मैंने जो स्टेटमेंट दिले बड़े खास करके औकात ना पियाला या बच्चा बाबा के लेकर के, एकर प्रभाव दू गो जात विशेष पर बहुत ज़्यादा बा। उहे प्रभाव डाली तो जौन बा लड़ाई में और गहमा गहमी है या जीत हार जौन बा ऊर्जा के लेकर हमें ऐसे स्थिति स्पष्ट नहीं कर, 5-7 हज़ार का अंतर रहे भी हारू, हाँ जी जीती हारी लेकिन छोड़ दिया छोटा प्लेटफॉर्म है टाइम कम बा। सिवान सदर पर आवल जाऊँ, सिवान सदर एगो सांसद बनाम पूर्व मंत्री के लड़ाई बा, एकरा के कहाँ देखा देखिए कुछ दिन पहले ले हम देखत रही लड़ाई जौन बा आरजेडी के जे कैंडिडेट महागठबंधन के जे कैंडिडेट रहा अवध भाई चौधरी जी के तरफ रहा, अब लड़ाई जोन बा थोड़ा सा और कांटा दिलचस्प हो गई बा। सबके मालूम बा कि लोकसभा का चुनाव जब रहे तो लोग उम्मीद लगाओ कि जोन बा ओम प्रकाश जी के कैंडिडेट बनाओ जी ना बनाओ गए, कविता जी के कैंडिडेट बनाओ गए, ओकरा बाद भी यहाँ के पार्टी में बनौल बहुत नेता तुरंत छोड़ दिलो, सीट ना मिलल तुरंत पार्टी छोड़ो बीजेपी दूसरा पार्टी में जा, यहाँ के पार्टी ना छोड़नी पार्टी में बनल रहनी। पार्टी जोन बा कई साल से विधायक रहनी जो कि स्थानीय विधायक सिवान सदर के व्यासदेव जी के टिकट काट के ओम प्रकाश जी के टिकट दिले बा, ऐसे दिले बा कि ऊर्जा के जी एगो कद्दावर नेता बा जौन अपना प्रदेश के कबीना मंत्री रहल कभी अवध बिहारी चौधरी जी भी जौन कैटेगरी जौन समुदाय से आनी वही समुदाय के कैंडिडेट हो जाए बीजेपी भी उतरे के चाहत रहे और ऊर्जा के एमओआई समीकरण हो जाए सादे कर बिल्कुल एमओआई समीकरण सदले बिल्कुल बहुत बढ़िया से सधाइल बा। ऊर्जा खेल बिगाड़त रही यहाँ के व्यासदेव जी लेकिन व्यासदेव जी के हाँ वहाँ के यहाँ लोग सटा ले बनी अपने में फिर एनडीए में एक मंच पर मिल गई बनी लो तो वहाँ के अपन समर्थन जोन में यहाँ के दे दे बनी। लेकिन अब हूँ डॉक्टर रामेश्वर ऐसा कैंडिडेट वहाँ के बनी चूंकि रे वही बात मानी सिवान सदर जो ऐसा सीट बा कोई जब प्रबुद्ध वर्ग के लोग बा पढ़ल शिक्षित लोग बा वो समझाता कि पुलरस के जो पुष्पम प्रिया के जो पार्टी बा पार्टी के कैंडिडेट बहुत बढ़िया बा डॉक्टर बनी यहाँ के थोड़ा सा सुलभ बनी थोड़ा बहुत वहाँ के वोट अच्छा खासा कटे। एक जोन बा रिजवान भी हैं आपको पता होगा रिजवान जी भी चुनाव लड़ रहे हैं 9,000 वोट कटल पिछले हाँ तो रिजवान जी भी लड़ता रहे वो डैमेज कर रहा बड़े जौन बा महागठबंधन के जो प्रत्याशी बा ओकरा के अवध बेरी चौधरी जी के थोड़ा सा ज़्यादा प्रभावित करते रहें व्यासदेव जी हट गए के बाद थोड़ा कम जौन बा इनका पर प्रभाव डाल रहा बड़े ओम प्रकाश यादव जी पर लेकिन लड़ाई हो जाए ओम प्रकाश यादव जी बनाम अवध बिहारी चौधरी जी के बीच में बाबा जी भी बाजी मार जाओ कहेंगे दोनों जानी कांटा के लड़ाई बराबर कांटा के लड़ाई अगला विधानसभा जो हमने के बाद देश रत्न के जी जी जन्मभूमि बा जी 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 जीरा देवी विधानसभा जी जी ओजा के का स्थिति रही ओजा तो पैरासूट एगो कैंडिडेट बारन तो एगो कैंडिडेट जेल से बारन तो ओजा के का स्थिति ओजा के तो हम स्थानीय निवासी है ओजा की स्थिति बड़ा अलग तरह अपना आपके भाग्यशाली मांगते नहीं कि दुर्भाग्यशाली मानते हैं देखिए अपना का हम एक नजर में भाग्यशाली भी मानते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बाबू के जन धरती से बानी और एक नजर में बहुत दुर्भाग्यशाली भी मानते नहीं कि वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जन धरती से बानी जो उनकी देश रत्न के उपाधि जगह दल गई लेकिन ओजा उस क्षेत्र के आज भी हासिया पर रखल गई ओजा के नेता के द्वारा ओजा के जनप्रतिनिधि के द्वारा और कोनो तरह के बदलाव कोनो तरह के व्यवस्था कोनो तरह के जो बा डेवलपमेंट ना देखे के मिलल ओजा के लोग के सीट के जात लोग होता देखिए उस सीट जोन बा हम जहाँ तक देखा था नहीं वो माले के तरफ में जात तो नजर आता लेकिन एक और सवाल बा अब जोन वोटर बढ़े हैं जोन आरजेडी के खिलाफ
जोन वोट बा जोन माले के खिलाफ वोट बा खुलत नहीं है कि रामाकांत पाठक जी के जोन पतोहु बानी उगम पाठक जी के तरफ जाई कि विनोद बाबा के तरफ जाई विनोद तिवारी जी के तरफ जाई आकी कमला कुशवाहा आकी कमला कुशवाहा के तरफ जाई ये से बताओ तनिका है लड़ाई में के बा देखी लड़ाई में देखी दो लोग आ सकेला जहाँ तक हमारा देखे हुआ होता हम भी बताओ तो निका है दो लोग ऐसे आ सकता कि वही लोग का चर्चा हो रहा बा माले के खिलाफ देखी जब चुनाव भर रहा पिछला दो गो चुनाव उठा के देखी 2015 के 2010 के ये चुनाव में 30,000 से भी ज्यादा वोट माले के कैंडिडेट के मिलल रहे यानी अमरजीत कुशवाहा ही कैंडिडेट रहे दोनों बार पहले भी लेकिन ये बड़ी जो वोट परसेंट बा ऐसे बढ़ जाती है RJD भी एक साथ जुड़ गई बिया चूंकि माले प्रभावित क्षेत्र रहा माले के कैंडिडेट उजा रहा अगर उजा बीजेपी के कैंडिडेट दल रहे NDA तो स्थिति बहुत अलग रही उजा एकदम लीड कर बीजेपी नजर लेकिन NDA जो कैंडिडेट के उजा मतलब अपन प्रत्याय मैंने जो आदमी के जो मैंने औरत के प्रत्याशी बने लिए पति मतलब संजय NDA बैकफुट पर बा बिल्कुल ऐसा नजर आ रहा बा कि खुदे संजय भी खुद माले में रहल बड़े RJD में रहल बड़े खास के ब्लॉक प्रमुख उनके पत्नी रहल बड़ी उनका के लेकर फेसबुक पर देखा तो के कि एगो लिस्ट रहा 20 जने के क्योंकि 3 लाख रुपया क्योंकि 5 लाख रुपया क्योंकि 6 लाख रुपया क्योंकि 3.5 लाख रुपया लेके वापस नखन कैलन आ वो तरह के उनका प्रभाव भी नहीं के लोग जानते ना रहा कि उनका टिकट मिली रमेश सिंह कुशवाहा एगो नेता रहा है तो वो भाई उनका एगो अलग स्तर रहा वो थोड़ा सा बड़ा प्रभावी नेता रहा है लेकिन ये जो कमला कुशवाहा बड़ी इनको जो पति बड़े संजय वो स्तर के प्रभाव नहीं किया लोग उम्मीदों ना कर रहा कि इनका टिकट मिली बहरहाल छोड़िए छोटा प्लेटफॉर्म लेकिन हम ये कहे के चाहते नहीं अंतिम हम स्टेक ये देवे के चाहते नहीं कि ओजा लड़ाई या तो माले बनाम उगम पाठक हो या तो माले बनाम नहीं संजय कुशवाहा हुई लास्ट में लोग ये सोचा था जाएंगे ना वाला चुनौवा के टाइम में लोकसभा जब चुना रहे एक पहले जब ओम प्रकाश जी जीतल आयोग के वोट नहीं लेकिन दे दी हाँ हाँ मन वाला स्थिति आ चली हटाई माले के हरावत बढ़े नू चली हटाई RJD के हरावत बढ़े नू इंकरा के देखल जा कम से कम ये पार्टी के साथ बढ़े नू उगम पाठक के साथ सहानुभूति बा वहाँ के जब निकलत नहीं औरत से मिलत नहीं तो औरत एक अलग सहानुभूति में जुड़ जाता कफन लेके वहाँ घूम रहा बनी वहाँ के पति जन बा संजय बाबा कुछ दिन पहले वहाँ के देहांत हो गई अब बड़ा वहाँ का अच्छा स्वभाव रहे संजय बाबा के तो वहाँ के लेके एक सहानुभूति वोट जन बा रामाकांत बाबा के लेके भी लोग मैंने उस क्षेत्र के कहला चाहे पूरा सीमांचल जिला के पुराना भाजपा ही नेता यहाँ का है तो वह एक सिंपैथी बा भाजपा एगो तो भाजपा के सिंपैथी बा प्लस उगम पाठक के लेके सिंपैथी बा औरत होला के बाद एगो उगम पाठक के खास करके पति के नारा ला के भी सहानुभूति बा आ प्लस अच्छा कैंडिडेट ना होला के वजह से भी जोन वोट बावे वो उगम पाठक के तरफ जा रहा बा लास्ट में यो देखे के मिलता कि कहीं वोटवा क्लैश करके कहीं माले के हरावे के एवज में कहीं वोटवा जा करके संजय कुशवाहा के पत्नी कविता जोन बा कमला कुशवाहा के तरफ मत चल जा बहरहाल लास्ट विधानसभा बचत धरौली धरौली में का आंकड़ा बताओता ऐसे की उत्तर राजपूत बहुमूल्य क्षेत्र ब्राह्मण बहुमूल्य क्षेत्र दुर्भाग्य बा कि सुरक्षित बा लेकिन सबसे अधिक सारा विधानसभा में अगर ब्राह्मण वोटर बारन तो 56,000-57,000 वोटर बारन देखिए ओजा लड़ाई जो बा पिछली बार जब चुनाव हो रहा है माले के कैंडिडेट रहा ए बड़ी जो चुनाव बा एहे बड़ी ओजा भाजपा बनाम माले के लड़ाई बा माले के जो नेता सत्यदेव राम ओजा से चुनाव लड़ रहा बड़े कई बार विधायक रहा जब मेरवा परिसीमन रहे मेरवा विधानसभा परिसीमन रहे तब वो ओजा के विधायक रहा कई बार लगातार 2-3 बार विधायक रहा ओजा से एक बाद जब परिसीमन बटल रामायण कुशवाहा के लेकर के रामायण मांझी हाँ सॉरी रामायण मांझी के लेकर के रामायण मांझी के लेकर के वो स्तर से जनता कनेक्ट नहीं के बात कहें कि मतलब प्रत्याशी पिछली बार रहा चुनाव हार रहा और जनता में एगो विरोधाभास बा लेकिन लड़ाई जोन बा ओजा रामायण मांझी शिव कुमार मांझी के इतना फैक्टर पड़ी शिव कुमार मांझी उतना फैक्टर ना पड़े क्योंकि लोग जोन जानता जोन माले मैंने माले के खिलाफ वाला जोन वोट बा माले हराओ अभियान हाँ माले हराओ अभियान एक तरफ जोन बा सांप्रदायिक ताकतों हराओ अभियान मतलब माले वाला वोट जोन बा बीजेपी के खिलाफ जाए या बीजेपी वाला वोट जोन बा माले के खिलाफ जाए मैंने ये स्पष्ट दिक्कत था और ये बीच में जितना भी कैंडिडेट बोले बहुत कम प्रत्याशी उजा बढ़े 4-5 गो प्रत्याशी उजा बढ़े और उन लोग खेला नहीं बिगाड़ पाओत ओजा लड़ाई जोन बा माले बनाम बीजेपी बा बीजेपी बनाम माले बा लेकिन ओजा ज्यादा लीड में माले हाँ बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद रुवा मैच बॉक्स के टाइम देने बहुत बहुत धन्यवाद राजबाबू आपका तो ये बदकुचन रुवा देखत रही हम मैच बॉक्स पर लगातार हमनी के बदकुचन होत रहल ये बदकुचन कैसन लागल एकरा के रुवा कमेंट करके बताई अगर मैच बॉक्स के रुवा यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर देखत रही तो मैच बॉक्स के सब्सक्राइब कर ली अगर फेसबुक पर देखत रही तो मैच बॉक्स के पेज के खोज के लाइक कर ली साथे साथ भुलाई मत याद रखी ये चुनावी गणना हो चुनाव के समीक्षा हो एक अधिक से अधिक शेयर करी कि लोग तक की जानकारी पहुँचू कि कहाँ के लड़ाई में बा तो एक साथ आठों विधानसभा के अगर हुआ गणना देखे के चाहतनी आंकड़ा देखे के चाहतनी तो देखत रही मैच बॉक्स नमस्कार।